नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ बिलियन क्रिकेटर इंडिया वेस्ट इंडीज स्पेशल रणतंत्र में आप लोगों का स्वागत है। जी हाँ, जानिए आज का न्यूज़। कहानी है इस दौर की, पाकिस्तान के खिलाफ रोहित शर्मा का शानदार रिकॉर्ड, पिछले दो मुकाबलों में हिटमैन के नाम दो शतक, जानिए कैसे। हम आपको भटकाते नहीं, सीधे मुद्दे पर लेकर चलते हैं। भारतीय टीम 4 साल बाद वनडे में पाकिस्तान के खिलाफ उतरेगी। पिछली बार दोनों का आमना सामना 2019 में विश्व कप में हुआ था, तब रोहित शर्मा ने मैनचेस्टर में 140 रन की शानदार पारी खेली थी। रोहित शर्मा तो है तूफानी दौर के। एशिया कप के सबसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट एशिया कप का मैच 30 अगस्त को होने जा रहा है। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 2 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ करेगी। दोनों टीमों के बीच यह मैच कैडी में खेला जाएगा। भारतीय टीम 4 साल बाद वनडे में पाकिस्तान के खिलाफ उतरेगी। पिछली बार दोनों का आमना सामना 2019 विश्व कप में हुआ था, तब रोहित शर्मा ने मैनचेस्टर में 140 रन की शानदार पारी खेली थी। रोहित शर्मा की दमदार पारी पिछले साल एशिया कप में जब दोनों टीमें आमने सामने हुई थी, तब एक मैच भारत और पाकिस्तान ने जीता था। हालांकि तब एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला गया था और इस बार वनडे प्रारूप में होगा। टीम इंडिया फाइनल में पहुंच नहीं पाई थी। श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया था। पाकिस्तान ने सुपर 4 में टीम इंडिया को हराया था। रोहित शर्मा की टीम उस हार का बदला लेने के लिए उतरेगी। खुद भारतीय टीम कप्तान एक बार फिर से उसके खिलाफ दमदार प्रदर्शन करना चाहेंगे। रोहित का बल्ला दोनों टीमों के बीच मैच में खूब चला है। उन्होंने पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर धुलाई की।